हाय गाइस, व्हाट्स अप। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मॉमी टॉकी के एक और नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेल दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बच्चों के कार सीट के बारे में। और अगर आप अपने बच्चों के लिए कार सीट खरीदना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट है। वेल आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी आर फॉर रैबिट जैक एंड जिल ग्रैंड आइसोफिक्स कार सीट के बारे में। वेल मार्केट में कार सीट तो बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ ऑलरेडी अवेलेबल है, बट आइसोफिक्स टाइप ऑफ कार सीट बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड अवेलेबल है। एंड इस जिस प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको आज बताने वाली हूँ वो प्रोडक्ट मार्केट में रिसेंटली आया है, अमेजिंग प्रोडक्ट है। मेरे हस्बैंड अभिषेक इस वीडियो में हमें ज्वाइन करेंगे, उन्होंने ही इस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल रिसर्च किया है। तो सेम वीडियो में दोस्तों मैं आपको इस प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग भी दिखाऊंगी, रिव्यू भी दिखाऊंगी, डिटेल फीचर्स के बारे में भी हम बात करेंगे एंड प्लस साथ ही साथ हम इंस्टॉलेशन भी दिखाएंगे कि किस तरीके से आप इस प्रोडक्ट को अपनी गाड़ी में इंस्टॉल कर सकते हो। आइए टाइम वेस्ट ना करके जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं एंड जानते हैं इस कार सीट के बारे में। सो गाइस, दिस इज द आर फॉर रैबिट जैक एंड जिल ग्रैंड आइसोफिक्स। सो देयर आर टू जैक एंड जिल ग्रैंड, वन इज नॉर्मल ग्रैंड एंड वन इज आइसोफिक्स। तो अब इनमें डिफरेंस क्या है? इसमें आइसोफिक्स ये दोनों तरह से लग सकता है, सीट बेल्ट से भी और आइसोफिक्स माउंट के थ्रू भी, जो गाड़ियों में होता है। तो आपके अपने गाड़ी के मैनुअल में चेक करना पड़ेगा कि उसमें आइसोफिक्स है या नहीं है। तो इस तरह से ये आइसोफिक्स है, ये पॉइंट आपका, जो ये जो पॉइंट है आपका, ये आपके आइसोफिक्स गाड़ी के आइसोफिक्स में जाके लग जाता है, घुस जाता है। उसके बाद आपका ये जो बैक टीदर है, ये पीछे जाके सीट के पीछे एक हुक होता है, उसमें लगा के ये खींच के इसे टाइट किया जाता है। तो ये तो मैं आपको बाद में दिखा दूंगा जब मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ इसे गाड़ी में। सो दिस इज़ वन थिंग दैट इज़ न्यू इन दिस जैक एंड जिल ग्रैंड आइसोफिक्स। एक और चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है जानने के लिए, जो प्रॉबली वन ऑफ द न्यू थिंग्स दैट जो मैंने देखा है अभी नए कार सीट में, जो मुझे ज़रूरी था क्योंकि हमारा अयांश अभी बहुत छोटा है, तो वो तो उसे हमें रेयर फेसिंग लगाना पड़ेगा, बैठाना पड़ेगा। तो रेयर फेसिंग तब तक बैठाइए अपने बच्चे को जब तक, जितना ज़्यादा दिन तक आप रेयर फेसिंग बैठाएंगे बच्चे को गाड़ी में उतना सेफ होता है। तो ये रेयर फेसिंग में 0 to 3 kgs तक जाता है, सॉरी 0 to 13 kgs तक जाता है, रफली 1.5 साल तक ये जाएगा आपका रेयर फेसिंग में, विच इज़ गुड इनफ। उसके बाद आप बच्चे को फ्रंट फेसिंग में ले जाइए, और ये एक्चुअल में 12 साल के बच्चे तक के लिए सूटेबल है। तो इसका दूसरा खासियत ये है कि ये आपका सीट रोटेट होता है, तो आपको फ्रंट से बैक करने के लिए, रेयर फेसिंग करने के लिए या फ्रंट फेसिंग करने के लिए आपको इसे खोल कर दोबारा से माउंट नहीं करना पड़ता। इसको एक पोजीशन में माउंट कर दीजिए, उसके बाद बस ये लीवर खींचे यहाँ पे जो लीवर है, और इसको रोटेट कर दीजिए, और ये आपका देखिए 90° रोटेट भी हो सकता है, और ये आपका फ्रंट फेसिंग। उसके बाद आपका रिक्लाइन पोजिशन है रेयर, और 1, 2, 3, 4 फॉर द फ्रंट फेसिंग। सो रेयर के लिए जब ये आइसोफिक्स, ये सपोज ये आइसोफिक्स यहाँ चला गया गाड़ी में, तो रेयर माउंटिंग हो गई आपकी ये ऐसे, और ये आपकी हो गई रेयर माउंटिंग। वंस ये रेयर में सपोज ये जब फिक्स हो जाता है, तो यहाँ पे अच्छा वो लीवर आपको सामने घुमा के दिखाता हूँ मैं, यहाँ एक लीवर है, जो ये लीवर है, इसको घुमा के आप उठा के आप इसको सेट कर सकते हैं रिक्लाइन पोजीशन। तो जब ये रेयर फेसिंग होता है तो जनरली ये इस तरह से यहाँ पे पोजीशन पे होना चाहिए, ये आर जो लिखा है ब्लू में, यहाँ पे एक आपको एरो भी दिख जाता है कि वो किस पोजीशन में जा रहा है। ये लीवर उठा के आप इसको ऐसे और ये ऐसे सेट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखेगा कि किस पोजीशन में ला रहे हैं आप। तो ये हो गया। उसके अलावा जो मैंने, मेरे लिए इम्पॉर्टेंट था वो था सीट की बिल्ड क्वालिटी। इस सीट की बिल्ड क्वालिटी और उस सीट की कुशनिंग कैसी है, तो मैंने और भी ब्रांड्स के देखे थे, मिलाए थे, जाके स्टोर में भी देखा था, तो इसकी जो कुशनिंग है इज़ फार बेटर दैन दी अदर ब्रांड्स दैट आई हैव सीन। तो ये आपका सेफ्टी हार्नेस है, यहाँ एक छोटा सा लैच है, यहाँ पे अंदर आप हाथ डालेंगे तो आपको एक लैच दिखेगा, तो उससे आप इसको लूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक बटन है, छोटा सा है बहुत। उसके बाद जब आपको लगाना होता है तो ये इस तरह से लगता है, ये इधर ऐसे
सॉर्ट ऑफ मैग्नेटिक है, ये ऐसे अपने आप बैठ जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप इसको ऐसे करके लगा दीजिए, ये क्लिक सा साउंड आ जाएगा। उसके बाद जब आपका बेबी यहाँ बैठा हुआ है तो आप इसको खींच के उस हिसाब से इसको हार्नेस को टाइट कर दीजिए ताकि वो अनकंफर्टेबल ना फील करे, और ये आपका बेबी सिक्योर हो जाएगा इसमें। और जब खोलना हो तो ये रेड वाले को ऐसे पुल करिए आप, और ये ओपन हो गया। सो इस प्रोडक्ट का नेट वेट है 8.5 kg। ये इंजेक्शन मोल्ड प्रोसेस से बना है तो ये काफ़ी, जो इसका जो आप बोलेंगे बोन स्ट्रक्चर, ये जो स्टर्डीनेस, ये काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी है। और इसके जो ये फैब्रिक है ये आप रिमूवेबल है, आप इसको निकाल के वॉश कर सकते हैं। ऑब्वियसली कार में रहेगा तो काफ़ी गंदा हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा वो है, तो ये आप इसको निकाल के वॉश कर लीजिए। बाकी जब मैं इसको इंस्टॉल करूँगा अभी कार में तो मैं आपको दिखाऊँगा इसका इंस्टॉलेशन कैसा है। तो आइसोफिक्स इंस्टॉलेशन तो काफ़ी सिंपल होता है, जब बस इसको निकालिए आइसोफिक्स में डाल दीजिए। जब मैं इंस्टॉल करूँगा तो मैं आपको फ्रंट फेसिंग और रेयर फेसिंग दोनों इंस्टॉल करके दिखाऊँगा। कोशिश करूँगा आपको सीट बेल्ट जिनके में आइसोफिक्स नहीं है वो सीट बेल्ट यूज़ करके इसे कैसे फिक्स कर सकते हैं। बट अगर आपकी गाड़ी में आइसोफिक्स नहीं है तो ये मॉडल लेना आपके लिए पैसे की बर्बादी होगी, इससे बेटर है आप जैक एंड जिल ग्रैंड ले लीजिए। सब कुछ सेम है उसमें, बस आइसोफिक्स माउंट नहीं है और ये रोटेट नहीं होता। अगर आपके गाड़ी में आइसोफिक्स है देन दिस प्रोडक्ट इज़ अ थम्स अप, अदरवाइज गो फॉर दी नॉर्मल जैक एंड जिल ग्रैंड विच इज़ समवेयर अराउंड जो 5 से 6 हज़ार के बीच में है। ओके, सो मिलते हैं गाड़ी में इसको इंस्टॉल करते वक्त। हेलो फ्रेंड्स, सो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसको इस कार सीट आर फॉर रैबिट जैक एंड जिल आइसोफिक्स को आप आइसोफिक्स माउंट में कैसे माउंट करते हैं। और तो ये है आइसोफिक्स पॉइंट्स जो आप वहाँ भी देख सकते हैं और यहाँ भी देख सकते हैं। तो ये आपके अपने कार में मैनुअल में चेक करना पड़ेगा कि आपके कार में है या नहीं है। अगर आपके कार में आइसोफिक्स माउंट्स हैं तो आप ये वाला कार सीट ले सकते हैं, अदरवाइज यू कैन गो फॉर द नॉर्मल जैक एंड जिल ग्रैंड लाइक आई टोल्ड यू अर्ली इन द वीडियो। सो यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मेरा बेटा आयांश अभी 8 मंथ्स का है तो उसको रेयर फेसिंग बैठाएंगे, और ये जैसे 0 to 13 kg तक बच्चा रेयर फेसिंग बैठता है तो करीब करीब 1.5 साल तक ये रेयर फेसिंग इसमें बैठेगा। एंड इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि जितने ज़्यादा दिन तक आप रेयर फेसिंग बैठाएं उतना सेफ होता है। तो रेयर फेसिंग के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमें, पहला तो ये आइसोफिक्स लैच जो आप इस तरह से बटन दबा के इसको आगे कर दें, है ना। ये बटन दबाया, एक सेकंड में मैं अंदर की तरफ आके इसको बटन दबा के निकालता हूँ। ये आइसोफिक्स लैच पूरा निकल गया इधर का भी, और एक ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे आपको दिखेगा, ये यहाँ से हम आपको ये वाला जो है ये पीछे एक हुक होता है टेदर हुक उसमें लगता है, तो ये यहाँ से जाएगा। ये आपको ये पॉइंट दिखा देता हूँ अभी, फिर बाद में जब लगाते वक्त शायद उतने अच्छे से ना दिख पाए, तो ये पॉइंट है। तो लेट्स फर्स्ट इसको पहले निकाल देता हूँ मैं कार सीट वाले पॉइंट को, और ये इस तरह से तो मैं इसको ये लगा और ये ऐसे अंदर के जितनी अंदर आप इसको ठेल सकते हैं ठेल दीजिए, दोनों तरफ से टिक टिक करके साउंड आ गया। अब देखिए ये हिल नहीं रहा है, फिक्स हो गया, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वो है आपका यहाँ ये लीवर, मैंने आपको दिखाया नहीं, मैं आपको दोबारा दिखा दूंगा ये लीवर कैसे रिक्लाइन करते हैं जब ये खोल के आपको फ्रंट फेसिंग दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक मार्किंग होगी जो आपको रेयर फेसिंग के लिए ब्लू कलर की होगी, तो इसको आप ऐसे करके रेयर फेसिंग के लिए कर दीजिए, ये एरो आपको रेयर फेसिंग में ले जाएगा। अब ये जो आपका टीदर पॉइंट है, ये टीदर पॉइंट को आप थोड़ा लूज कर लीजिए पहले, क्योंकि आपको पीछे तक ले जाना है, तो इसको मैं खोल देता हूँ। थोड़ा लूज कर लेते हैं ताकि ये पीछे तक जा सके, ठीक है। अब पीछे जाने के लिए यहाँ से तो ऐसे जाएगा नहीं, पहले मैं इसको भी निकाल देते हैं टेम्परेरली, अभी निकाल देते हैं इसको, यहाँ रखते हैं बाद में लगा देंगे। तो इसको यहाँ इस तरह से अंदर डाल दीजिए आप, पहले ये दोनों तरफ से हो सकता है, या तो आप इधर से डालिए या इस तरह भी डाले एक पॉइंट। तो अभी मैं इंस्टॉलेशन के लिए आपको दिखाने के लिए यहाँ से डाल देता हूँ, बाद में मैं इधर से कर दूँगा ताकि जब उसकी मम्मी या मैं वहाँ बैठूँ तो ये बीच में ना आए। तो ये मैं इसको यहाँ से इसको पार कर देता हूँ, ये पार हो गया नीचे की तरफ। अब चलिए पीछे चलते हैं और इसको इंस्टॉल
इंस्टॉल करते हैं उसमें। ये अब आपको दिख रहा है कि मैंने इसको पीछे की तरफ कर लिया है, ठीक है, ये पीछे की तरफ है। तो इसको मैं उठा के आपको पहले पॉइंट दिखा देता हूँ। वो हुक दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, एक छोटा सा ये हुक दिख रहा है आपको, इस हुक में ये फिट होगा, ये फिक्स हो गया। और इसको जितना टाइट खींच सकते हैं उतना खींच के इसको टाइट कर दीजिए। जब ये आप पूरा टाइट कर देंगे, पूरा खींच के इसको पूरा टाइट कर देंगे, या आपको ग्रीन सा रहे, ये ग्रीन होना चाहिए, रेड नहीं होना चाहिए, देख सकते हैं आप ग्रीन है वहाँ पे वो। तो आप देखेंगे ये टाइट हो गया है हर जगह से, इस तरह से टाइट है, यहाँ फिक्स है। अब बच्चे को हम यहाँ बिठा देंगे। अब इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर आपका बच्चे की हाइट ज़्यादा है, डिपेंडिंग आप मैनुअल देखेगा यहाँ तक आपको दिखाता है, तो ये आप इस तरह से हाइट भी इंक्रीज कर सकते हैं इसका। और ये मैं आपको खोल के अभी दिखा देता हूँ इसको, फ्रंट फेसिंग जब आपको करता हूँ तो मैं आपको ये सारे पॉइंट्स दिखाता हूँ कि ये कौन कौन से इसमें रोटेशन वाले पॉइंट्स हैं और क्या क्या हैं। नेक्स्ट मैं आपको फ्रंट फेसिंग दिखाता हूँ। सो मैंने ये टेदर हुक अब खोल दिया है फ्रंट सीट लगाने के लिए। ये इसका हुक है जो हाइट इंक्रीज ऊपर नीचे करने के लिए यहाँ पे है, ठीक है, ये हाइट ऊपर नीचे करने के लिए है। और आपका यहाँ पे ये है जो इसका रिक्लाइन के लिए, तो फ्रंट के लिए एक दो तीन पोजीशन है और बैक के लिए वो नीला वाला आर पोजीशन है। तो अभी मैं इसको सीधा कर देता हूँ क्योंकि मैं फ्रंट के लिए करने वाला हूँ। ये है, ये आपको पॉइंट दिख रहा है, ये नीचे एक पॉइंट, ये एक, ये पॉइंट हुआ जो आप सीट के लिए करते हैं यहाँ पे है ऊपर जो सीट रिक्लाइन करने के लिए, और एक ये पॉइंट है नीचे जिसे बस इसको आप एक बार दबाइए और ये अपने आप कट से बोलेगा, इट विल मेक अ साउंड और ये फिक्स हो जाएगा। फिर दबाएंगे, अभी 90 डिग्री मुड़ा है, फिर एक बार करके इसको लॉक से हटाया, फिर ये घुमाया तो ये लॉक हो गया। तो इस सेम वे इसको दबा के मैं सामने की तरफ सेट कर दिया है। अब इसको फिर से निकाल देते हैं और इसको हम, इसमें मुझे सीट बेल्ट की भी जरूरत पड़ेगी। ये लैच लग गया है, ग्रीन सा हो गया है, तो ये लैच में नॉर्मल फिक्स कर दिया। अब इसमें हमें थोड़ा सा, मैं इंक्लाइन कर देता हूँ इसको, हाँ, अब हमें इसे सीट बेल्ट से लगाना है। तो सीट बेल्ट से लगाने के लिए हमें फिर से ये वाला जो पॉइंट है जैसे इस तरफ दिखाया था, सिमिलरली इस तरफ जो पॉइंट है उसके थ्रू हमें इसे पास करना है। इसको थोड़ा लूज़ कर लेते हैं, ये निकाल देते हैं क्योंकि इसको, ताकि आप अच्छे से देख पाएँ। फिर आप ये हम पहले यहाँ से अंदर की तरफ डालते हैं, यहाँ से लेके आएंगे, ये इस तरह से लेके आएंगे और ये यहाँ से यहाँ पे ये जो हुक है इसमें अंदर डालेंगे, इसको ये अंदर डालेंगे। तो आप देखोगे ये सीट बेल्ट के मैंने अंदर से लिया है, बच्चों के सीट बेल्ट के अंदर से यहाँ से ये पार किया गया है, ये यहाँ से, ये यहाँ से अंदर, यहाँ पे लैच है, ये लैच है ना, ये लैच के थ्रू पार किया हमने। फिर हमने इसको यहाँ से, ये यहाँ अंदर से लेके आए, ये अंदर से लेके आए, ये यहाँ से ऐसे ला के यहाँ पे टाइट कर दिया। उसके बाद एक बार ये टाइट हो जाता है, इसको सीट को एटलीस्ट खींच के टाइट कर दीजिए ताकि यहाँ पे आपको स्लैक नहीं फील हो। अब आप ये लगा दीजिए वापस से। तो ये डबल प्रोटेक्शन हो जाता है, सीट बेल्ट भी है और आपका आइसोफिक्स लैच भी है, तो दोनों तरह से ये फिक्स हो चुका है। अयांश तो छोटा है तो उसको फ्रंट फेसिंग नहीं बैठाना चाहिए मुझे, लेकिन मैं फिर भी बैठा के दिखा देता हूँ जस्ट फॉर द सेक, ऑब्वियसली सिर्फ ड्राइव अभी के लिए, वीडियो के लिए दिखा देता हूँ, नहीं तो वैसे तो वो रेयर फेसिंग ही बैठेगा, होपफुली ये रोएगा नहीं। देखिए कितना कंफर्टेबली ये बैठा है, वो भी फ्रंट पोजीशन में, तो रेयर पोजीशन में तो थोड़ा सा और इंक्लाइन हो जाता है ये, तो ये और अच्छे से बैठ जाएगा।
सो दोस्तों ये था हमारा प्रोडक्ट आर फॉर रैबिट जैक एंड जिल ग्रैंड आइसो फिक्स के बारे में। आई रियली होप मुझे और मेरे हस्बैंड को जो भी इस प्रोडक्ट के बारे में पता था या जो भी इंफॉर्मेशन था हमारे पास हम आपके साथ शेयर कर पाए। अगर आपके पास इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन मार्क हो तो आप मुझे कॉमेंट करके डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं और आइदर माई सेल्फ और माई हस्बैंड विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। एंड उसी के साथ साथ दोस्तों अगर आपको इस प्रोडक्ट को खरीदना हो तो इस प्रोडक्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप से ले सकते हैं। सो इसी के साथ दोस्तों मैं आज का वीडियो खत्म करती हूं और मैं अमृता आपको मिलती हूं अपने अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन एंड टिप्स के साथ। वेल इसी तरह की वीडियोस मैं बनाती रहती हूं आपके लिए, तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप मेरे फ्यूचर वीडियोज बिल्कुल मिस ना करें। बाय बाय।